जम्मू कश्मीर के अन्नांग में सेना और पुलिस के 3 अफसरों और एक जवान के कातिल आतंकियों को कोकरनाग के जंगलों में सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। वहीं खबर है कि 2 से 3 आतंकी जंगल में पहाड़ियों में छिपे हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा था। जैसे ही सुरक्षा बलों के अधिकारी उस जगह पर पहुंचे जहां आतंकी छिपे हुए थे, तो आतंकियों ने अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए। बता दें, कोकरनाग के जंगलों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने डेरा डाल रखा है। वहीं गुरुवार सुबह जंगलों में तलाशी अभियान फिर से शुरू किया गया। गुरुवार सुबह सुबह मुठभेड़ क्षेत्र से 3 धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। वहीं इस दौरान DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकियों को हमने घेर रखा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जवान ऑपरेशन को जल्द खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में सभी नई पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए NTV निष्पक्ष के साथ।